क्वेश्चन टू, चैप्टर कंसोलिडेशन एंड सबडिवीजन. हाउ विल यू रिकॉर्ड द फॉलोइंग चेंजेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी. अ कंपनी कन्वर्टेड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इनटू इक्विटी स्टॉक ऑफ 950. कंपनी 100 रुपीज के 10 शेयर्स वापस ले रही है और सामने 950 दे रही है, तो बताओ कंपनी को फायदा होगा या नुकसान होगा? 100 मैं कंपनी हूँ, मैं 100 के 10 शेयर्स ले रहा हूँ, 1000 ले रहा हूँ और सामने वापस कर रहा हूँ 950, तो मुझे प्रॉफिट होगा. ठीक है, सो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 100 रुपीज के 10 शेयर्स वापस लिए, सो 1000 रुपीज वापस आ गया मेरे पास. सामने मैं दे रहा हूँ टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट 950 एंड टू प्रीमियम ऑन इक्विटी स्टॉक. ये प्रीमियम और डिस्काउंट हमेशा जो कंपनी दे रही होती है उस पर काउंट करते हैं. सो प्रीमियम ऑन इक्विटी स्टॉक अकाउंट 50 हो गया सम पूरा. देखो सम का सॉल्यूशन नीचे ही लिखा ही हुआ है आंसर में ही. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट 950 एंड टू स्टॉक प्रीमियम 50. आंसर भी दिया हुआ है, ये सेकेंड सम था. क्वेश्चन नंबर टू हो गया सम पूरा. क्लियर है? कुछ डाउट है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे. राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी. बीना लिमिटेड कन्वर्टेड 60 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच इनटू इक्विटी स्टॉक ऑफ 6300. अब सपोज करो मैं कंपनी हूँ और मैं 60 शेयर्स ऑफ 100 आपसे वापस ले रहा हूँ और सामने 6300 आपको दे रहा हूँ, तो मुझे क्या होगा? लॉस होगा. यस करेक्ट आंसर, लॉस होगा. सो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 60 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच 6000. डिस्काउंट अब सामने क्या दे रहा हूं? स्टॉक. ठीक है, सो टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट 6300. अब देखो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा यहां पर कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. क्रेडिट 6300 किया है और डेबिट 6000 किया है, तो यहां पर क्या है? 300 का डिफरेंस आ रहा है और वो 300 क्या होगा? 300 होगा डिस्काउंट ऑन इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट. ठीक है, फर्स्ट क्लियर हो गया. सेकंड क्वेश्चन थ्री एंट्री सेकंड. रत्ना लिमिटेड इश्यूड एन इक्विटी स्टॉक ऑफ 5700 फॉर 60 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच होली पेडअप. 60 इक्विटी शेयर्स के सामने 5700 दे रहे हैं, तो प्रॉफिट होगा कंपनी को. तो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 60 इंटू 100 6000 टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट 5700
and to premium on equity stock account 300. प्रीमियम और डिस्काउंट जो कंपनी दे रही है उस पर कैलकुलेट होता है. सेम फर्स्ट सम का कॉपी है और कुछ भी नहीं है. थर्ड, अंजू लिमिटेड विथ शेयर कैपिटल ऑफ 700 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 70,000 हो जाएंगी, fully paid up, decided to subdivide the shares into 5,000 equity shares of 10 each. So 5,000 equity shares of rupees 10 each ₹50,000 and 2,008% preference shares of 10 each. 2000 into 10, 20,000 preference shares. इक्विटी शेयर्स वापस लेकर सामने इक्विटी दिए हैं एंड प्रेफरेंस दिए हैं. तो यहां पर लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 700 into 100. ये शेयर्स वापस ले लिए 70,000 के, सामने दिया है टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 into 10, 50,000 and to premium on equity shares. Sorry, preference shares दिया है. Preference shares हैं. 50 के equity दिए हैं and 20 के preference दिए हैं. Preference share capital कितना दिया है? 2000 into 10, 20,000. 70 का 50 and 20 कर दिया. Fourth, X company converted 100 equity shares of 10 each into equity stock of 950. इसके जैसी entry होगी. कौन सी? 100 equity shares of 10 each. So, equity share capital account debit 100 into 10, 1000. सामने क्या दिया है? Equity stock account 950 and premium on equity stock 50. हो गया सम पूरा. नाउ आज का होमवर्क. होमवर्क में आप इलस्ट्रेशंस करोगे. इलस्ट्रेशन 1 and 2, ये दो इलस्ट्रेशन आपको होमवर्क में करने हैं. नेक्स्ट लेक्चर में फ्यू सम्स मैं एक्सप्लेन करूँगा, करवाऊँगा एंड देन चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे. आज का होमवर्क है इलस्ट्रेशन 1 and 2. चलो नोट डाउन कर लो अब आप.